बात कर रहे थे सुखदेव सिंह गोगा मेडी हत्याकांड की, और आपको बता दें कि प्रदेश पे चक्का जाम की स्थिति है। राजपूत समाज के जो युवा है आक्रोशित नजर आ रहा है। लगातार सहयोगी निर्मल हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। देखिए निर्मल जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि राजपूत समाज के युवा आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही है? देखिए इंदु, लगातार हम शहर में राजधानी में जगह जगह गए। थोड़ी देर पहले हम 5 बत्ती पे थे, जो MI रोड का हृदय स्थल कहा जाता है, वहाँ लगातार प्रदर्शन किया जाता है। टायर जला के प्रदर्शन कर रहे थे राजपूत समाज के लोग ही नहीं, सर्व समाज के लोग वहाँ पर थे। उसके बाद हमने परकोटा भी दिखाया कि परकोटे में क्या हालात थे। परकोटे की एक एक दुकान बंद थी, सर्व समाज का, सारे व्यापार मंडल का, तमाम जो व्यापार मंडल है उसका राजपूत समाज को समर्थन था। समर्थन इसलिए कि राजपूत समाज के जो शीर्ष नेता कहे जाते हैं, श्री राजपूत करणी सेना के सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या कर दी जाती है और हत्यारे अभी तक पकड़ से बाहर है। इस समय हमें व्यस्ततम JLN मार्ग पर, देखिए JLN मार्ग पर चूंकि SMS अस्पताल से भी लोग आते हैं, चूंकि बांगड़ के यूनिट से भी आते हैं, JK Lawn अस्पताल से भी लोग आते हैं, तमाम ऐसे लोग भी नजर आ रहे हैं जो या तो किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकले हैं, या तो उनको किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी है, अदरवाइज पूरा जो JLN मार्ग, ये चूंकि आज बुधवार का दिन भी है और मोती डुंगरी गणेश मंदिर का ये पूरा क्षेत्र जो जहाँ आमतौर पर मेला सा लगा रहता था, आज आप देखेंगे कि इस आंदोलन के चक्कर में इक्का दुक्का लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है ताकि किसी तरह का कोई वैसी आवक जावक ना हो। तमाम जो स्मारक है राजधानी जयपुर के, जो भी स्मारक है, चाहे वो आमेर हो, चाहे हवा महल हो, जंतर मंतर हो, सिटी पैलेस हो, तमाम जितने भी स्मारक है उन स्मारकों को भी मौखिक रूप से बंद किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि जब तक स्थिति सामान्य ना हो स्मारकों को ना खोलें। क्योंकि देखिए समाज के एक वर्ग तो ऐसा है राजपूत समाज में और सर्व समाज में, जो अनुभवी हैं, जो उम्र दराज हैं, वो समझते हैं हालात को, लेकिन जो युवा हैं वो इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं, वो युवा हैं इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उनके जो सर्वमान्य नेता जो छोटी छोटी बात के अंदर, छोटी छोटी समस्याओं पर उनके साथ खड़े हो जाते थे, सुखदेव सिंह गोगा मोडी, आज वो इस दुनिया में नहीं है और उनके हत्यारे नहीं पकड़े गए। तो मैं आपको दूर तक JLN मार्ग दिखाने की कोशिश करूंगा, जो ठीक रामनिवास बाग से निकल करके एयरपोर्ट तक का जाता है। यहाँ पर आपको आसपास कोई बहुत ज़्यादा चहल पहल नजर नहीं आ रही होगी, आपको बिल्कुल ये सुनसान, बहुत कम इक्का दुक्का कोई व्हीकल यहाँ से नजर आ रहे हैं इंदू। तो कहने का मतलब ये है कि हालात इस तरह के हो गए हैं और जो युवा हैं वो जोश में हैं, उनमें युवा है, उनका खून उबाल मार रहा है, इसलिए कि वो चाहते हैं कि उनके जो सर्वमान्य नेता थे, युवा नेता थे उनके, सुखदेव सिंह गोगा मेडी, उनकी हत्या करने वाले हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। कल अभी मैं थोड़ी देर पहले विजेंद्र से भी हमारी यही बात हो रही थी, जिस तरह से कल महिपाल मकराना ने कहा कि वो नई सरकार का गठन नहीं होने देंगे, वो नए मुख्यमंत्री को शपथ नहीं लेने देंगे तब तक जब तक कि हत्यारे पकड़े नहीं जाएं, जब तक कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी को न्याय नहीं मिल जाए, उनके परिवार को, समाज को न्याय नहीं मिल जाए, सर्व समाज को न्याय नहीं मिल जाए। क्योंकि देखिए आज गोगा मेडी की हत्या की गई है, कल दूसरे समाज के नेता के साथ इस तरह का होगा, तो जनता का समर्थन है, व्यापार मंडल का समर्थन है और सब इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ये जी इस बात को बताया जाए सरकार को, पुलिस प्रशासन को इस बात के लिए ताकीद किया जाए कि जल्दी से जल्दी हत्यारे उनको पकड़ा जाए। देखिए जिस तरह के हालात लगातार विकास मेट्रो मास से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, शिवेंद्र दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पहले नरेश ने हमने दिखाने की कोशिश की, विनोद चौहान, वो लगातार उन्होंने सबने दिखाने की कोशिश की, सबके पीछे मकसद यही है कि राजधानी जयपुर, जिसको स्वार्थ का प्रतीक कहा जाता है, राजधानी जयपुर जहाँ पर, जिसको लघु काशी कहा जाता है, राजधानी जयपुर जो अपने सांस्कृतिक अपने धरोहर को संभाले हुए, वो जयपुर जिसमें सर्व समाज के लोग रहते हैं और बहुत शांतिपूर्वक रहते हैं। तो कहने का उद्देश्य यही है कि जब लगातार सर्व समाज का इस बात को समर्थन मिल रहा है, सब ने लगातार, जितने भी जो व्यापार मंडल है उनका समर्थन है, जितने जो दूसरे समाज है उनका समर्थन है, तो सिर्फ इस बात के लिए कि हत्यारों को जल्दी से जल्द पकड़ा जाए। पुलिस के पास इनपुट है कि हत्यारे कहाँ गए, लेकिन उन तक पहुँचने की बात है, पुलिस अपना काम कर रही है। हम भी चैनल के माध्यम से जनता से, आंदोलनकारियों से, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो तमाम सर्व समाज के जो लोग हैं जिनको इस हत्या के बाद उनको बहुत बड़ा झटका लगा, उनसे यही कहने की कोशिश करेंगे कि आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चले, किसी तरह का उग्र आंदोलन ना हो, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचे और इस बात को ध्यान रखा जाए, क्योंकि सूबे में सरकार बदलने की प्रक्रिया चल रही है, चुनाव संपन्न हुआ है, मतदान संपन्न हुआ है, उसके बाद ये पता पड़ा है कि सूबे में भाजपा की सरकार आ रही है, तो लोगों को आने दें, जल्दी ही सरकार बनेगी, उसके बाद तमाम चीजें भी, लेकिन उससे पहले पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। राज्यपाल खुद बात कर चुके हैं, तमाम जो आला अधिकारी पुलिस के, वसुंधरा राजे ने जो बात की आला अधिकारियों से, उससे पहले गजन सिंह शेखावत ने आला अधिकारियों से बात की, तमाम जो है, लेकिन अभी भी एक बात सवाल मन में जरूर उठता है हिंदू कि अभी भी जो खासकर राजपूत समाज के जो बड़े नेता हैं या दूसरे समाजों के जो बड़े नेता हैं, वो धरना स्थल पर राजेंद्र राठौड़ और राजेंद्र घुड़ा, यानी दो राजेंद्र तो वहां तक पहुंचे हैं, लेकिन दूसरे अभी इस राजपूत समाज के भी और दूसरे जो समाजों के जो बड़े नेता हैं, उनको वहां पहुंचना जरूरी है। जरूर इसलिए है कि वहां पहुंचे, स्थिति को संभाले, इससे पहले कि आंदोलन उग्र हो, सार्वजनिक संपत्ति को, जो युवा हैं वो इस जोश में आकर कहीं नुकसान नहीं कर बैठे, खुद का नुकसान नहीं करने बैठे, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं कर बैठे, उनको रोकना होगा। पुलिस अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, जल्दी हत्यारों को पकड़ा भी जाएगा निश्चित तौर पर, क्योंकि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, उनके पास बहुत सारे सूत्र हैं, सुराग मिले उनको, उसके आधार पर कार्रवाई भी होगी, लेकिन फिलहाल शांति बनाए रखें।
क्या आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन ये राजधानी आपकी है, ये समाज, ये पूरा ये जो जो धरोहर है ये आपकी है, इस बात को वो समझ भी रहे हैं। इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि कोई ना कोई, मतलब एक ही तरह की मांग है कि कोई ना कोई बड़ा शीर्ष नेता पहुंचे तो सही उस जाजम के ऊपर। जब जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले मेरी विजेंद्र से बात हो रही थी, हीरक जयंती समारोह के अंदर समाज के तमाम लोग पहुंचते हैं, लेकिन आज जब इतना बड़ा हत्याकांड हो जाता है उसके बाद भी वही समाज के नेता वहाँ पहुँचे, उनको बताएं कि हालात किस तरह के हैं। जी जी इंदु जी, निर्मल जी, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, आप बने रहिएगा, क्योंकि फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम दर्शकों को अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रही है। और शिवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए, जोधपुर से शिवेंद्र जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र देखिए, शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिव प्रकाश देखिए, आप वहां पर मौजूद हैं, जोधपुर के कलेक्ट्रेट के बाहर मौजूद हैं, एक बार आप भी तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि दर्शकों तक हम हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं, तो जोधपुर से क्या तस्वीर निकल कर आ रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि अगर बात की जाए जोधपुर की, तो जोधपुर में आज सुबह से ही जिस तरह से बंद का आह्वान किया गया था उसका व्यापक असर नजर आया। पूरे जोधपुर लगभग है पूरी तरह से बंद है, और अभी जो सभी प्रदर्शनकारी हैं, राजपूत समाज सहित सर्व समाज के जो लोग हैं, वो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर पहुंचे हैं। काफी संख्या में लोग यहाँ रैली के रूप में पहुंचे थे, और अब जो है उनका एक प्रतिनिधिमंडल है वो जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप रहा है, और प्रदर्शनकारी जो है वो कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर के बैठे हैं। इन सभी की एक ही मांग है कि जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और कई जो लोग हैं उन्होंने तो इनके एनकाउंटर की मांग की, उन्होंने कहा कि उनको गिरफ्तार नहीं बल्कि उनका एनकाउंटर किया जाए। जिस तरह से निश्चित रूप से ये जो घटनाक्रम हुआ उसने पूरे प्रदेश को ही नहीं देशभर को झकझोर के रखा है, तो काफी उद्वेलित है खासतौर से युवाओं में। कहीं कहीं आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जबरदस्त आक्रोश है, टायर जलाकर के विरोध प्रदर्शन किया गया था, कुछ देर के लिए युवा रेलवे स्टेशन के अंदर भी गए थे और ट्रेन को रोकने के प्रयास किया, हालांकि वहां वह सफल नहीं, और उसके बाद वो सभी लोग यहाँ कलेक्ट्रेट के बाहर काफी संख्या में पहुंचे हैं। कुछ जगहों पर अगर हल्की सी तोड़फोड़ की घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो काफी अब तक नियंत्रित रूप से ये आंदोलन चला है, और पुलिस भी पूरी सक्रियता के साथ इस आंदोलन में सुबह से खड़ी है। सैकड़ों की संख्या में जो पुलिस के जवान हैं वो अलग अलग चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, पुलिस के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड जो है वो इसकी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने सुबह ही सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय रहकर इस आंदोलन पर नजर बनाए रखें। तो कुल मिला के प्रशासनिक स्तर पर पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है, राजपूत समाज के जो नेता है उनका भी प्रयास है कि यह शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चले, किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हो। अब तक यह काफी नियंत्रित रूप से आंदोलन चला है, और अब देख सकते हैं कि काफी संख्या में यह राजपूत समाज के लोग बैठे हैं, और प्रतिनिधिमंडल है वो कलेक्टर से ज्ञापन देने के लिए गया है, वहाँ कलेक्टर से वार्ता होगी, और संभवतः उसके बाद अब जो आंदोलन है उसकी यहाँ एक बार की पहला चरण है वो यहाँ जो है स्थगित हो सकता है। अब आगे की जो दिशा निर्देश है वो संघर्ष समिति जैसा उनको निर्देशित करेगी, उसके बाद आंदोलन की नई रूपरेखा है वो तैयार होगी। शिव प्रकाश देखिए, अगर बात करें इस हत्याकांड की बात की स्थिति की, चूंकि जो राजपूत समाज है, जो 36 कौम है, जो सड़कों पर है, उन्होंने एक अल्टीमेटम यहां पर दे दिया है, 4 बजे का अल्टीमेटम दिया गया है, डेडलाइन दी गई है, और अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 30 मिनट बचे हैं 4 बजने में, तो ऐसे में प्रशासन क्या कर रहा है अभी? जी, प्रशासन ने यहाँ जो है पुलिस अभी तक की स्थिति को संभाले हुए है, और जिस तरह से अब चक्का जाम की घोषणा की गई है कि 4 बजे के बाद यहाँ पूरे प्रदेश में चक्का जाम किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं यह एक चुनौती भरा काम होगा, क्योंकि सुबह से सभी सरकारी कार्यालय वो खुले हैं, लोगों के अब घर जाने का समय होगा, यातायात का दबाव भी काफी बढ़ा हुआ है, क्योंकि कई लोगों को यहाँ से डाइवर्ट किया गया था। ऐसे में अब अगर चक्का जाम किया जाता है तो कहीं ना कहीं स्थितियां हैं वो काफी जो है चुनौतीपूर्ण होगी। देखना होगा कि प्रशासन इस स्थिति से किस तरह से निपट पाता है, और क्या यहाँ प्रदर्शनकारी है वो पुलिस और प्रशासन का सहयोग करते हैं, क्योंकि प्रदेशव्यापी चक्का जाम की जो है अपील की गई है, आह्वान किया गया है। अब देखना होगा कि क्या संघर्ष समिति इसको अपना वापस पुनर्विचार करती है, और क्या जोधपुर में इस तरह का हालात बनते, लेकिन फिलहाल जो है प्रदर्शनकारी वो कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर डटे हुए हैं, काफी संख्या में यहाँ धरने देकर के बैठे हैं, पुलिस प्रशासन का जाथा भी यहाँ काफी संख्या में मौजूद है। जी चलिए, मेट्रोमास अस्पताल से सहयोगी विकास जुड़ रहे हैं। विकास, अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे दर्शकों तक, एक बार चाहेंगे कि मेट्रोमास अस्पताल के बाहर की तस्वीरें दिखाएं, किस तरह का हालात वहां पर मौजूद है, और कैसे मतलब तस्वीर आप जरा दिखाइए दर्शकों को। देखिए, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से हर चीज की अपडेट देना चाहूंगा।
उससे पहले मैं आपको अपडेट कर देता हूं। एक तरफ जहां पर मेट्रो मास अस्पताल पे कुछ ही देर पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ जो है वो यहां पहुंचे हैं, वहीं दूसरी ओर एसएमएस अस्पताल में जो तीन मरीज भर्ती हैं उनसे मिलने के लिए सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा जो है वो वहां पहुंचे हुए हैं। वो वहां पर जो मरीज हैं उनके हालचाल जान रहे हैं, उनके परिजनों से मिल चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राजेंद्र राठौड़ जो है वो इस वक्त जो सभा चल रही है नीचे, जो धरना चल रहा है उस धरने को संबोधित कर रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन राकेश को कहूंगा एक बार थोड़ा जूम करके दिखाएंगे कि कौन से राजनेता नीचे पहुंच चुके हैं, क्योंकि हम बहुत ऊंचाई से ये पूरा कवरेज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हर तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखा पाएं और उसी के तहत ये पूरा हम प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं राजेंद्र राठौड़ जो है इस वक्त धरना स्थल पर मौजूद है। उसके अलावा जो गुड़ा है, पूर्व मंत्री है गुड़ा, वो यहाँ मौजूद है। उसके अलावा समाज के और प्रतिनिधि जो है वो भी यहाँ मौजूद है। लगातार जो अलग अलग जयपुर शहर के अलग अलग जगह से जो प्रदर्शनकारी थे, जो कि अलग अलग जगह पर प्रदर्शन कर रहे थे, जयपुर बंद का जो आह्वान किया गया था उसको सफल बनाने का प्रयास कर रहे थे, वो सभी लोग अलग अलग समूह में अब जयपुर से अलग अलग समूह में होते हुए अब यहाँ पर मेट्रो मास अस्पताल के बाहर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते अब मेट्रो मास अस्पताल के बाहर काफ़ी संख्या में लोग जो है वो जमा हो चुके हैं। साथ में जो पुलिस बल है वो भी अतिरिक्त यहाँ पर बुलाया गया है। अंदर की बात करें तो अंदर भी करीबन एक दर्जन थानों की पुलिस जो है उसको अंदर बुला लिया गया है। साथ में बाहर भी सुरक्षा जब्ता बढ़ाया गया है। मैं एक कैमरा पर्सन कहूँगा एक बार फिर से दिखाएंगे बाहर की तस्वीर। ये IIS स्कूल जो है उसके बाहर की तरफ से रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और वहां से आवाजाही जो कह सकते हैं सिर्फ प्रदर्शनकारी जो अलग अलग जगह से आ रहे हैं उनको यहां प्रवेश दिया जा रहा है, उसके अलावा यातायात पूरी तरह से बंद है। जी देखिए विकास, जिस तरह से आप तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और अगर इन तस्वीरों को देखा जाए तो आक्रोश यहाँ पर नजर आ रहा है। और ऐसे में 4 बजे का समय दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये समय है वो निकलता जा रहा है, तो प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत तो है ही, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रशासन ने मोर्चा संभाल रखा है। लेकिन अगर एक छोटी सी चूक नहीं होती, सुरक्षा दे दी गई होती, तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी आज हमारे बीच में होते, वो हमारे बीच में रहते, जीवित रहते, लेकिन उस छोटी सी चूक की वजह से उनकी जान चली गई। तो देखिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रही है, तस्वीर जरा आप देखिए और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजपूत समाज आक्रोश व्यक्त कर रहा है। अलग अलग तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। पहली तस्वीर जयपुर से परकोटा से दिखाई दे रही है, जहां पर देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो राजपूत समाज के लोग हैं, न केवल राजपूत समाज बल्कि अलग अलग कौम से लोग एक जाजम पर बैठकर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को लेकर, उनके न्याय को लेकर आवाज उठा रहे हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए, ये आवाज बुलंद कर रही है। और तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम आपको लगातार दिखा रही है, दिखा रहे हैं। और तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, समाज के लोग, तो ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, वो भी हमें अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से हालातों में सुधार आ रहा है और किस तरह से जो प्रशासन है, प्रशासन ने कैसे जिम्मेदारी संभाल रखी है, कैसे मोर्चा संभाल रखा है।